Hey everyone, welcome to my YouTube channel Let's Tute. Today in this video I'll be sharing the best timetable for class 10 students which will help you to study with the best and strategic timetable. So let's start our video. First of all, I would like to tell you guys that before we start anything or any work we should start with our strategy. So in this I'll be sharing you first the strategy, then I'll be sharing you how you can just complete your study, 6 hour studies. First strategy तो हमारी यही है कि हमें 6 hours पढ़ना है, तो वो हम कैसे पढ़ सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी. Before that we will be talking about our strategy. Okay, so daily study hours हमारे 6 complete हो रहे हैं. अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का भी टाइम निकाल के अगर हम दिन भर में 6 hours की स्टडी करते हैं सो वो मोर देन इनफ है हमारे लिए, मोर देन इनफ. ओके, सो सेकंड हम प्रोसीजर जो करेंगे वो हम नोट मेकिंग करेंगे, देन उसके बाद हमारा रिविजन भी कवर हो जाएगा 6 hours में. और पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई लोड इस वीडियो में मैं आपको नहीं देने वाली हूँ कि अगर मैंने स्ट्रैटेजी बोला तो मैं आपके ऊपर कह दूँ कि एक दिन में आप 10-12 घंटे पढ़ लीजिए, वो आपसे कोई नहीं कह रहा है. मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ दिन के 6 hours मांग रही हूँ, क्योंकि ये 6 hours कोई भी स्टडी कर सकता है, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो टॉपर हो, कोई भी हो, ये 6 hours आप अपनी पूरी डेली रूटीन में से निकाल सकते हैं फॉर स्टडी. इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल, इफ़ यू वॉन्ट टू you know be the topper of your this batch 2021 to 2022, so let's start with slot. Okay, so slots ke sang hum start kar rahe hain, but isse pehle main aapko bataun ki maine aapki jo time table hai isme 3 slots aapke cover karwaye hain. ab wo 3 slots kon kon se hain, 7 AM to 8:30 AM ka hai, dusra hai aapka 2 PM to 4:30 PM, तीसरा है आपका 6 PM टू 8 PM. तो ये 3 स्लॉट्स में हम आपकी 6 hours की स्टडी पूरी करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट स्लॉट क्या कहता है हमसे, चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट स्लॉट हमें क्या बताता है कि हमें सबसे पहले पढ़ना है 7 AM से लेके 8:30 AM तक. तो अब यहाँ पे हमारे स्टडी आवर्स कितने कमिट हो रहे हैं, 1.5 hours की स्टडी हम सुबह सुबह ही कर दे रहे हैं, 7 AM टू 8:30 AM. अब जैसे मैं आपको अज्यूम करती हूँ कि आपकी सारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं सब बच्चों की, वो 8:30 से या 9 PM से या 9 AM से या फिर 8 AM से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो अगर आपकी स्टडीज इतने 8 AM टू 9 AM से स्टार्ट हो रही हैं, तो इस टाइम टेबल को या इस स्लॉट को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपने यू नो डेली रूटीन्स से. ओके, सो अगर आपकी 8 AM से स्टार्ट हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो आप इसको 6:30 कर सकते हैं. अगर आपकी 9 से हो रही हैं तो आप इसको 7:30 कर सकते हैं. तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें हमारा 7 AM और 8:30 AM तक हमारी स्टडीज हो रही हैं 1.5 hours की, 6 में से 1.5 hours की स्टडी हम कर रहे हैं, वो भी 6 में से. ठीक है, अब हमने मान लो 1.5 की स्टडी हम कर चुके. ठीक है, अब आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, वो अटेंड हुई आपकी 1 PM या 12 PM के अराउंड, आपकी वो ख़त्म हो गई. इससे ज़्यादा टाइम कोई क्लास लेती नहीं है और कोई स्कूल इतना नहीं पढ़ाता होगा. ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये वाला जो स्लॉट है ना हमारा 7 AM और 8:30 वाला, अब इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ. हमें पढ़ना है सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज. अब सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, तो सब लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में पढ़ना या लर्न करना किसी चीज़ को बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप वो चीज़ इवनिंग में लर्न कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप फर्स्ट लॉट में अपने कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज कंप्लीट करने वाले हैं. अब कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज देखिए साइंस की, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हो सकती हैं, या अगर आपको वो नहीं पढ़ना है तो आप कंप्यूटर सुबह पढ़ सकते हैं. आई थिंक सो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, बट मैं कोर सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बात ज़्यादा करूँगी, जैसे कि मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी. दीज 5 सब्जेक्ट्स आर दो सब्जेक्ट्स विच विल मैटर इन योर 10th बोर्ड्स. ओके, नाउ आफ्टर दैट
हमारी फर्स्ट लॉट की स्टडी कंप्लीट हो गई है अगर, तो हम 1 PM से 2 PM तक करेंगे रेस्ट हमारा, ठीक है। अब हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी और हम लेजी फील करेंगे। तो रेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाए उसके बाद आप लंच कर सकते हैं, उसके बाद आप करेंगे रेस्ट थोड़ा सा, तो उसमें आपका ये जो रेस्ट वाला टाइम है ये आपका 1 आवर का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड स्लॉट, ओके। तो सेकेंड स्लॉट में क्या आने वाला है, सेकेंड स्लॉट हमसे कहता है कि हमें पढ़ना है 2 PM से 4:30 PM तक, यानी कि हमें 2.5 आवर्स की स्टडी करनी है। अरे ये तो बहुत टाइम ज़्यादा हो गया, पहले तो 1.5 था अब 2.5 हो गया, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे। सो इतना सारा जो टाइम है ना, ये देखने में 2.5 आवर्स लग रहा होगा, मगर इसको आप जब कंप्लीट करोगे स्लॉट तो आपको लगेगा कि अभी तो कब 2 बजे से 4:30 बज गए पता नहीं चला। तो इसमें आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से करने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल। तो कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल किस में होता है, मैथ्स और फिजिक्स में, या आप केमिस्ट्री में इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी। तो इसमें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम सुबह से ऑनलाइन क्लासेस ले चुके हैं, हमारी 1.5 की स्टडी पूरी कर चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा स्लीपीनेस आएगी, हमने खाना खा लिया है, अब हमें नींद आने वाली है, तो हमें नींद को भगाना है तभी तो हमने गोल्स अचीव कर पाएंगे। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट करना है, जिससे हमारा जो माइंड है वो आपकी जो लेजीनेस है या स्लीपी मूड है आपका, तो उससे डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 4:30 PM से 6 PM तक। तो इसमें हमें पढ़ना नहीं है, इसमें हमें करना है करिकुलर एक्टिविटीज। तो करिकुलर एक्टिविटीज में आप खेल सकते हो, कोई माइंड गेम खेल सकते हो, बाहर आप बाहर जाके गेम्स खेल सकते हो, बैडमिंटन, और जो भी आपकी हॉबीज हैं वो आप इस टाइम पे पूरी कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया 2.5 और 1.5, तो मतलब टोटल हमारा 4 आवर्स की स्टडीज अभी तक 4:30 PM तक हमने 4 आवर्स की स्टडी और रेडी कर चुकी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लॉट पे बढ़ेंगे, वो है हमारा थर्ड स्लॉट। तो थर्ड स्लॉट हमसे क्या कहता है, थर्ड स्लॉट हमसे कहता है कि हमें 6 PM से 8 PM तक पढ़ना है। अब 6 PM से 8 PM हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ रहे होंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स की स्टडी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब इस 2 आवर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पुट कोर सब्जेक्ट्स सच एज साइंस और सोशल स्टडीज। अब साइंस और सोशल स्टडीज मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप कैलकुलेशन वाला पार्ट कर चुके हो, थ्योरी कंसेप्ट कर चुके हो, अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो आप समझ सको, अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक हमें यहाँ पे चाहिए। जैसे कि हम साइंस से बायो उठा सकते हैं, और या फिर केमिस्ट्री का कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लर्निंग वाला लग रहा है, या आपको लग रहा है कि इसको समझना जरूरी है, तो आप इसको उठा सकते हो। अदरवाइज आप SST पढ़ सकते हो, हिस्ट्री, कोई आपकी ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आप इधर पे इन्वॉल्व कर सकते हो। तो अब आपने 2 आवर्स की स्टडी कर ली, 8 PM आपका टाइम हो रहा है अब, ठीक है। इसके बाद आप कर रहे होगे आपका डिनर। डिनर में आप अच्छा हेल्दी खाना खाइए, जिससे आपकी डाइट अच्छी रहे, आपका माइंड अच्छा रहे, और आप स्टडी भी अच्छी तरीके से कर पाओगे, ओके। सो कंप्लीट योर स्कूल वर्क और पेंडिंग वर्क। अब ये मैंने कब लिखा है, डिनर के साथ साथ करना है, नहीं, जब आप डिनर कर लें, जैसे आपने 8 बजे अपना स्टडी रूटीन थर्ड स्लॉट अपना पूरा कर लिया 8 PM तक, ठीक है। अब आप या तो 8 PM से 9 PM के बीच में खाना वाना खा लीजिए, अपना डिनर कर लीजिए, तो आप 9 से 10 तक अपने स्कूल का पेंडिंग वर्क और नोट्स आप अपना बना सकते हैं उस टाइम पे। अगर आपने आपको थोड़ा लेट खाने की आदत है, 9 to 10 खाने की आदत है अगर खाना, तो आप 8 PM से 9 PM तक अपना स्कूल वर्क और नोट मेकिंग वगैरह आप कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मुझे रेड से मार्क करना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स, बिकॉज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी हाफ ईयरली दोगे, या आपके प्री बोर्ड जाएंगे, या आपको खुद बोर्ड्स के लिए ही पढ़ना है अगर, तो आप नोट्स से बहुत आसान हो जाता है, आपको माइंड माइंड मैप बन जाता है आपका जब आप नोट्स बनाते हो कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या है। तो हमें नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट नहीं बनाने आते हैं या आपको डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि हाउ टू मेक नोट्स, ओके।
सो यहाँ पे हमारा थर्ड स्लॉट कंप्लीट हो गया, हमने हमारे नोट्स भी बना लिए, थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिया, और 6 आवर्स की स्टडी भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। आप यही आप टाइम टेबल कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस इसको अच्छे से अपने माइंड में, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। तो ये तीनों थॉट्स जो आपके हैं पूरे दिन के, इनको आपको कंप्लीट करना है एज अ टास्क। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको बाद के लिए बहुत ज़्यादा बहुत गिल्टी फील नहीं होगा कि काश मैं ये चीज़ पहले पढ़ लेता या पहले पढ़ लेती। तो इसमें आपका सारा चीज़ कवर हो रहा है, तो इसके साथ आप ये अपना कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो, और इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अनदर वीडियो ऑन टाइम टेबल और सच अदर टॉपिक्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।